आपके साथ जुड़ी थी तो मैं 80 में थी, 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50 और एक साल होता था कहाँ मैं मीडियम में आ गई। जो भी मेरा बीमारी थी, माइग्रेन वगैरह का प्रॉब्लम था, वो सारा सॉल्व हो गया। मैंने 2-3 महीने से कोई भी टैबलेट नहीं लेती हूँ। डाइट वाइट मेरे डिक्शनरी में कुछ नहीं है मेरे। यहाँ खाना खाओ, भरपेट खाओ, बिंदास खाओ और वजन घटाओ। मैंने आलू पराठा फर्स्ट दिन खाया था मैम, मेरा 1.5 किलो वेट कम हुआ। जी गीता जी, वेलकम मैम। सबसे पहले मैं अपने आप को भी कांग्रेचुलेशन देती हूँ और आपको भी देती हूँ क्योंकि मैं 50 में फाइनल आ गई। ओह क्या बात है, वेरी गुड। 50 बस मतलब आप 50 में भी पहुंच गए, 60 से कम कर लिया अब आपने। यस मैम, आपके साथ जुड़ी थी तो मैं 80 में थी, 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50। जब तक मैंने बोला भी था ना मैम कि जब तक मेरा टारगेट वेट आपके साथ पूरा नहीं होगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगी नहीं तो मेरा टारगेट वेट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं आपको। तो इसके लिए देखो ना मैम, मेरा इधर आपकी तो गर्दन बिल्कुल ऐसी पतली दिखाई दे रही है, बिल्कुल पतली गर्दन दिखाई दे रही है। यस यस मैम, मुझे भी कांग्रेचुलेशन आपको भी, क्योंकि आपने मुझे 80 से कहाँ से 50 में लेके आ गए इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। और जो भी मेरा बीमारी थी, जो मेरा हाफ माइग्रेन वगैरह का प्रॉब्लम था, वो सारा सॉल्व हो गया। मैंने अब 1-2-3 महीने से कोई भी टैबलेट नहीं लेती हूँ, ना माइग्रेन का लेती हूँ ना मैं ये साइनस, दोनों था मुझे तो मैंने दोनों का टैबलेट बंद कर दिया मैम। अभी अच्छे से नहीं भी सोती हूँ ना, उस दिन मुझे कुछ भी पेन सर में, जैसे मैं पहले कैसा नहीं सोती थी तो सर में पेन होता था, अभी तो नहीं भी सोती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हस्बैंड बोलते तेरा सर का दर्द किधर चला गया, हम बोले छू मंत्र हो गया, अब टेंशन मतलब अब नहीं होगा, अब लाइफ टाइम खत्म हो गया मेरा जो भी सर का दर्द था। तो वो भी बहुत हैप्पी हो गया मैम। और दूसरी बात की मैं तो ज्वाइन की थी मैंगो खाने के लिए। मैंने एक दिन, अभी नहीं 2-3 दिन पहले मैम, 8 है मैंगो खाली खाने में खाई मैम कुछ भी मतलब 100 ग्राम भी वेट नहीं बढ़ा, बल्कि और कम ही हो गया 400 ग्राम। तो इसके लिए और मैम को एकदम धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोग आपके मतलब प्रोग्राम में खाते पीते इतना अच्छा वेट कम कर रहे हैं ना, तो ये प्रोग्राम तो इसके अलावा और कोई करा ही नहीं सकता है। ये भी बात सही है। और आपकी टीम तो थोड़ा कुछ भी गड़बड़ हुआ कि फोन आ जाता है, डांट लगा देती है, तो हमारा रूटीन दूसरे दिन से एकदम परफेक्ट चल जाता है। ऐसे तो मैंने इस बार मैंने कोई रूटीन ऐसा कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि मैं आपका जो 1 साल का जो सपना है मेरा और आपका, वो मैं पूरा जब तक नहीं करूंगी तब तक तो रुकूंगी नहीं। ये गर्दन वगैरह देख के मेरे रिलेटिव वगैरह देख के बोल रहे बस कर गीता, अब बस, अब कितना करेगी, बहुत हो गया तेरा, तुम्हारा तो कहाँ मेरा 444 एक साल होता था कहाँ मैं मीडियम में आ गई। तो मेरे हस्बैंड भी बोलते कि बस मीडियम लार्ज तक आ गई, बस हो गया, अभी स्मॉल लेके आना है क्या, अपनी लड़की का कपड़ा पहनना है क्या। मैं बोली हाँ, मेरा वही सपना है कि जब तक मैं अपनी लड़की का कपड़ा ना पहनूं तब तक मैं बैठूंगी नहीं। तो वो लोग बोलती है मम्मा प्लीज यार नहीं मेरे साइज में मत आना, नहीं तो सारा कपड़े मेरे छीन लोगे आप लोग 1 साल से जुड़ी हूँ, मुझे वेट एकदम जरा भी नहीं बढ़ता है, कुछ भी नहीं होता है आपका। तो बोलते हैं ना कि जादू की छड़ी। जेठानी उठानी के घर में जाती हूँ ना मैम, तो मेरी जेठानी भी वही बोलती है बस रे तुम्हारा, अब तो तेरा मेरा कपड़ा तुमको आ जाता है। हम बोले इसीलिए तो मैं वेट कम की हूँ कि आपके यहाँ आऊंगी तो अच्छे अच्छे कपड़े देखूंगी, पहन लूंगी और चले जाऊंगी। पहले तो नहीं आता तो सोचते थे कि गीता तेरे को क्या दूं पहनने के लिए, लेकिन अब तो मैं आराम से आपका कपड़ा पहन लेती हूँ, क्योंकि वो क्या मीडियम और स्मॉल के बीच में है ना, तो उसका भी कपड़ा अब आ जाता है। कोई कोई कपड़ा तो मुझे छोटी वाली लड़की का जो स्मॉल साइज है ना, वो भी आ जाता है मैम। तो मेरे बच्चे भी बोलते कि मम्मा अभी चालू हो गई, मेरा कपड़ा लेना अभी से चालू हो गई। मैं आशा मैम को मिलेगी ना तो मैं बोलूंगी कि मम्मा को बस करो, अभी मत कम करने दो, नहीं तो वो मेरा कपड़ा पूरा छीन लेगी। क्योंकि वो लोग डरती है कि मम्मा जो फॉलो करती है, जब जी जान लगा ले देती है ना तो वो अच्छे से करती है। और मैं सचमुच मैम बहुत दिल से करती हूँ, जब भी मैं ये पार्टिसिपेट करती हूँ ना तो बहुत दिल से करती हूँ। अभी तो मैं 2-3 दिन पहले शादी में भी गई थी, बहुत अच्छी तरीके से खाई थी, जो चाहिए वो खाई थी, पानी पूरी, शेव पूरी, रसमलाई, चाट, समोसा, चाट, मिठाई मैम, सारा कुछ। जरा भी मेरा वेट नहीं बढ़ा, बल्कि और कम ही होते गया। मैं सोची कि कहीं बढ़ ना जाए, डर, लेकिन आपके बोलने से मतलब डर तो यूं भाग जाता है मैम। सब बोलता है कि तूने क्या किया, तूने कौन सा डाइट लिया जो तू इतना मतलब चेंज हो गई है। तो मैं बोली डाइट वाइट मेरे डिक्शनरी में कुछ नहीं है मेरे। यहाँ खाना खाओ, भरपेट खाओ, बिंदास खाओ और वजन घटाओ। तो बोलते ये कौन सा मंत्र आप बोल रही है। मैं बोली ये मंत्र हमारे यहाँ है कि बिंदास खाओ। मैंने आलू पराठा फर्स्ट दिन खाया था मैम, मेरा 1.5 किलो वेट कम हुआ फर्स्ट डे।